अपने टेक्स्ट पे डबल क्लिक करके इसको एडिट करेंगे। एडिट पे हम दे देंगे क्योंकि आर का लोगो बना रहे हैं, हम आर को डन किया, ओके पे क्लिक किया। इसका साइज़ हम बढ़ा देंगे, साइज़ हम इसको दे देंगे 450 देने के बाद इसके हम रिलेटिव पोजीशन के ज़रिए इसको मिड में कर देंगे। मिड में करने के बाद इसका हम चेंज, इसको हम कलर देंगे, फिर कलर इसको देंगे हम ब्लैक कलर देती है। उसके बाद हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद माय फॉन्ट पे आएंगे। हमने फैकन नाम का एक फॉन्ट डाउनलोड किया है, उसका लिंक इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। फैकन पे क्लिक करेंगे। फैकन पे क्लिक करने के बाद ये हमारा हो गया फॉन्ट चेंज। फॉन्ट चेंज के बाद हम जमा के निशान पे क्लिक करके शेप्स पे आएंगे। शेप्स पे आने के बाद यहाँ से हम लेंगे सर्कल, सर्कल की कैपेसिटी कर देंगे बिल्कुल 0 और इसका कलर हम दे देंगे ब्लैक। ब्लैक देने के बाद इसकी हम स्ट्रोक विड्थ जो है 32 कर देंगे, 32 हो गई। इसका थोड़ा हम साइज बढ़ा देंगे, यहाँ पर ओके है। उसके बाद हम इन दोनों को कर देंगे मार्ज, यहाँ पर लेयर वाली जगह पर क्लिक करके इसको हमने कर दिया मार्ज। मार्ज कर लेने के बाद फिर हम जाएंगे टेक्सचर पे। टेक्सचर पे हम इस पर लगाएंगे कॉपर का इमेज, कॉपर का इमेज, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारा हो गया टेक्सचर कलर। उसके बाद हम जाएंगे शेडो पे क्लिक करेंगे, शेडो एनेबल कर दिया। इस चीज़ की ब्लर रेडियस है इसको हम कर देंगे 14 और इसका ऑफसेट एक्स है उसको हम कर देंगे 1 और ऑफसेट वाई को हम कर देंगे 20। कर दिया, ओके पे क्लिक कर दिया। अब ओके पे क्लिक करने के बाद फिर हम जाएंगे गैलरी में, फ्रॉम गैलरी यहाँ से हम फाइल सेलेक्ट करेंगे, ये हम रखेंगे बैकग्राउंड पे। इसको फ्रॉम बैक कर दिया, ठीक हो गया, ओके हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे दोबारा आर को सेलेक्ट करने के बाद जो हमने आर वाला फॉर्म लोगो बनाना है उस पर क्लिक करने के बाद एम्बोस पे क्लिक करेंगे। एम्बोस के ऊपर क्लिक करने के बाद एनेबल पे क्लिक कर देंगे। एनेबल पे जो इसको हम एंगल देंगे वो 93 कर देंगे, 93 या 94 जो आप सेलेक्ट करना चाहें। इंटेंसिटी इसको हम देंगे 93। एम्बिएंट लाइट इसको हम देंगे 100 कर दें इसको, और स्पेकुलर हार्डनेस है हमारी इसको हम कर देंगे 21। और बीवेल को हम कर देंगे इसको 16। ओके पे क्लिक कर दिया। ओके पे क्लिक करने के बाद फिर हम आएंगे टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे यहाँ पे हम लिखेंगे लोगो डिज़ाइन। लोगो डिज़ाइन लिखा गया, ओके पे क्लिक करेंगे। फिर हम जाएंगे टेक्सचर में, कॉपर पे वाले फोटो पे क्लिक किया, लोगो डिज़ाइन हो गया, एनेबल कर लिया इसको। शेडो इसको कर देंगे एनेबल, शेडो एनेबल हो गया। ये हमारा आर वाला लोगो तैयार हो गया। इसके बाद हम सेव के ऑप्शन में जाएंगे, सेव एज इमेज, क्वालिटीज को हम कर देंगे अल्ट्रा, सेव टू गैलरी।
वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।